सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2X5G डिवाइस के अंदर आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को ऑन कैसे करेंगे। अगर आपकी भी बैटरी पावर काफी कंजप्शन हो रही है गाइस, तो मैं आपको एक सेटिंग्स बताने वाला छोटी सी, हालांकि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होगी, और मैं आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्स वगैरह का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि जिससे आपकी बैटरी दो चार दिन छह दिन आठ दिन चलेगी, बट ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता। जो भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी एप्स की, लाइक प्ले स्टोर से भी करते हैं, तो वो भी आपके बैटरी पावर का ही कंजप्शन करती है। तो आप इन सभी चीजों में ना पड़े। देखिए, कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन होता है वो एक दिन से ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हैं। इंटरनेट वगैरह को एक्सेस करेंगे तो कंटिन्यूसली अगर एक्सेस कर रहे हैं तो 6 से 7 आवर्स में ही आपका जो फोन है वो किल हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि बैटरी पावर सेवर को हमें ऑन कैसे करना है। चलो हम डेमो कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसे ऑन करके हम कितने टाइम तक बैटरी का बैकअप यूज कर पाएंगे। सो गाइस, बैटरी सेवर को ऑन करने के 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ कंट्रोल सेंटर को प्रेस करके आएंगे तो यहाँ पर बैटरी सेवर आपको इजिली मिल जाता है। एंड्रॉइड 11, 12, 13 वाले जितने फोन होते हैं, अगर आप इसको ऑन करते हैं, बैटरी सेवर को टर्न ऑन कर दिया हमने, इसमें क्या होता है कि डार्क थीम एक्टिवेट हो जाती है। डार्क थीम पे बैटरी पावर काफी सेव होती है। लाइट थीम होता है तो इसमें बैटरी का कंजप्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए डार्क थीम हो जाता है। आप देख पाएंगे कि हमारे फोन में बैटरी सेवर को इनेबल करते ही डार्क थीम एक्टिवेट हो गया। तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो यहाँ शॉर्टकटली। अदरवाइज आपको जाना है अपने फोन सेटिंग के अंदर। मोस्ट ऑफ केसेस में जितने भी डिवाइस अभी आ रहे हैं या फिर पहले के निकले हुए भी हैं ओल्ड मॉडल के, तो उसमें भी आपको बैटरी का शॉर्टकट ही मिल जाता है देखने को, यू नो। लेकिन यह एडवांस हो गया है काफी 13 के अपडेट के अंदर। अब देखो कि यहाँ पर आएंगे, आपके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एप्स आर रनिंग नॉर्मली, इसको प्रेस करेंगे तो अगर बैकग्राउंड्स में कोई ऐसी एप्लीकेशन हैवी एप्लीकेशन रन करती है लाइक दैट, बहुत ज्यादा पावर का कंजप्शन करती है, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप उसको मैनेज आउट कर सकते हैं। ओके करेंगे, बैटरी यूजर्स पे जाएंगे, कौन सा सिस्टम है या फिर कौन सी एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा बैटरी पावर कंजप्शन करती है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिस्टम होम को यूज करा, 1 hour 40 minutes यूज करा और 1% बैटरी हमारी गई हुई है। यूट्यूब को हमने यूज करा 5 मिनट और 1% यहाँ भी गई, और हमने फोन को डायलर को यूज करा, 1% बैटरी यहाँ पर गई। तो ये अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है यूज में। और अगर ये आपको लगता है कोई हाईएस्ट यूज दिखाता है परसेंटेज का, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो एप्लीकेशंस की भी मदद से, उसको यूज करना कम कर दीजिए, आपकी बैटरी वहां से भी बचेगी। जो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी सेवर, इसको आप यहां से भी चालू कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एडवांस सेटिंग्स यहां पर मिल जाती है, जिसमें बैटरी सेवर ऑन करना तो यहां से ऑन करिए या शॉर्टकट भी ऑन कर सकती है। इसके अंदर एक सेट शेड्यूल का ऑप्शन है, इसमें बेस्ड ऑन परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपका बैटरी पावर सेवर ऑन हो जाएगा। इसको प्रेस करेंगे, जिसमें हमने 10% सेट करके रखा है, आप 75% तक ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो। अब मैं यहां पर इसको रिकमेंड करूंगा 20% सेट कर ले, इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी काम आता है बैटरी पावर सेवर। तो इसमें क्या होगा, जैसे 20% हमारी बैटरी आएगी, हमारे फोन में बैटरी सेवर एक्टिवेट हो जाएगा। लाइट थीम के साथ लाइट थीम को डीएक्टिवेट करके डार्क थीम एक्टिवेट होगा, इवन हमारी बैटरी जो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। बट गाइस, ये एक्चुअली में उतना ज्यादा काम नहीं करता। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इस तरीके से आप यूज करते हो बैटरी सेवर, तो नॉर्मली तो बैटरी सेव होगी, बट इतना नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं कि अगर आप बैटरी सेवर को ऑन कर लेंगे तो आपकी बैटरी डाई नहीं होगी, पावर कंजप्शन नहीं करेगी। करेगी गाइस। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल मोड होता है, आप जाएंगे लोग स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर, सिंपल मोड को एक्टिवेट कर लेना, वहां पर एक इजी टू यूज होता है जिसमें सिर्फ कॉल डायलर वगैरह को एक्सेस करेंगे तो आप बैटरी पावर कंजप्शन यहां पर सेव कर पाएंगे। फिलहाल अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज करते तो यहां से भी बैटरी पावर बचा सकते हैं। इसमें एक बैकग्राउंड पावर कंजप्शन है, अगर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट कंट्रोल के अंदर होता है, रिस्ट्रिक्शन वाले को सेलेक्ट कर लेना। इससे होता क्या है, जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है उसके मैसेज वगैरह पे रिस्ट्रिक्शन होती है, जिससे मैसेज वहां पर ड्रॉप नहीं होता। जब मैसेज ड्रॉप नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाता, मैसेज वगैरह को रिस्ट्रिक्शन में डालता है फोन आपका, तो वहां से भी बैटरी पावर बचती है। क्योंकि जब एक्टिवेट एप्लीकेशन होता है तो सभी मैसेज को डिलीवर करता है, इसलिए वहां पर कंजप्शन भी होता है पावर का, इवन इंटरनेट का भी कंजप्शन होता है। तो आपको उसे ध्यान रखना है, यहाँ पर सबको आप इसको सेट करके रख लेना सेकेंड वाले को, और इससे भी अपनी बैटरी पावर सेव कर सकते हो। बाकी देखो गाइस, और ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है, ना ही कोई ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कि आप इसको ऑन कर लेंगे आपकी बैटरी 4 दिन 5 दिन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप 30 मिनट या फिर 1 hour का बैटरी सेवर को ऑन करके बैकअप ले सकते हैं। आई थिंक गाइस समझोगे बैटरी पावर सेवर को ऑन कैसे करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।